मोह को समाप्त करो, लोभ को खत्म करो। मच्छंदर नाथ को ढूंढने के लिए गोरखनाथ गए, ढूंढ कर ले आए। गोरखनाथ ने भजन गाया कि भाग मच्छंदर गोरख आया, बाबा भाग मच्छंदर गोरख आया, हाँ भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर को लेकर आए, रास्ते में शाम होने लगी। मच्छंदर नाथ ने कहा कोई भय है यहाँ, डर है? गोरखनाथ ने कहा यहाँ क्या डर है। मच्छंदर नाथ स्नान करने गए, गोरखनाथ ने उनका थैला खोला तो देखा वो राजमहल से एक सोने की ईंट ले आए थे। सोने की ईंट, देखो इतना बड़ा गुरु और चुट्टा मन डावाडोल हो गया। जब मनुष्य के मन में वासना उथल पुथल करने लग जाती है तो उसके अंदर लोभ भी पैदा हो जाता है। गोरखनाथ ने उस सोने की ईंट को उठाकर कुएं में डाल दिया। स्नान करके जब सरोवर से लौटे मच्छंदर नाथ, उन्होंने फिर पूछा यहां कोई भय तो नहीं है? बोले गुरुदेव जो भय था उसको मैंने कुआं में डाल दिया। बोले क्या? बोले आपके थैले में भय भरा था। बोले क्या? बोले सोने की ईंट रखी थी। बोले ये तूने डाल दिया कहां? बोले कुएं में। लो देखो थैला खाली है। मच्छंदर नाथ दुखी हो गए कि ये सोने की ईंट इतनी कीमती लाए थे तूने कुएं फेंक दिया। अरे बोले क्या गुरुदेव आप दुखी होते हैं। गोरखनाथ ने फिर साइड में लघुशंका कर दिया और लघुशंका का जल छींटे जहां तक पड़ी और मिट्टी सोना बन गई। कहा गुरुदेव तपस्या में ये ताकत है, लघुशंका कर दूं वहां सोना बन जाता है। तुम एक सोने की ईंट के लफड़े में फंसे हो। राजस्थान भारत देश का एक प्रदेश है, राजस्थान जानते हो? वहां मैं गया एक भक्त के यहां, मेरे गुरुदेव भी गए तो संतों ने फल अमनिया किया, फल काटा छिलका छीला और प्लेट में फल लगाकर हमें और गुरुदेव को दिया, संतों को दिया। तो जो छिलका बचा वो कचड़ा उसको उठा करके साइड में जगह खाली पड़ी थी वहाँ फेंक दिया। संतों ने फेंक दिया और भगत जी ने भी फेंक दिया। फिर हम लोग विदा हो गए। एक साल बाद फिर हम गए राजस्थान तो वो भक्त मिला, बोला कमाल हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले गजब हो गया। हमने बोलो ना क्या हुआ? बोले अजब हो गया। हमने कहा हुआ क्या? बोले वो जो आपकी गुरु जी ने फल खाया था उसका जो छिलका उलका कचड़ा वचड़ा बचा था वो पड़ोसी की जगह उधर पड़ी थी उधर फेंक दिया मैंने। तो हमने कहा हुआ क्या? पड़ोसी से मारपीट हो गई क्या? बोले मारपीट नहीं, पड़ोसी सवेरे ही आ गया, शाम को फेंका सुबह आ गया। अब बोला कि ये जगह तुम खरीद लो तुमको दे दूंगा। मैं 20 साल से लेना चाहता था, नालायक देता ही नहीं था और ना मालूम क्या हुआ वो गुरु का खाया हुआ छिलका उलका फेंका, बुद्धि बदल गई और वो जगह गुरुदेव मिल गई, वहां मकान बना दिया हमने। ये कमाल हुआ। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है बजरंग लाल बोहरा। तो हमने कहा गांव कहाँ रहते हो? बोले कोटा शहर के पड़ोस गांव है नया नोहरा और नाम है बजरंग बोहरा। तो देखा इतना गजब मामला। बस तो मैं यदि आपने तपस्या किया है, खूब भक्ति किया है, साधना किया है, आप तेजस्वी है, तपस्वी है, ओजस्वी है, याद रखना आप अपने हाथ से जहां जल छिड़क दोगे वो भी जगह पवित्र हो जाएगी, काशी प्रयाग जैसी तीर्थ भूमि हो जाएगी। तपस्या चाहिए इतनी। मैं कहूंगा
गृहस्थ आश्रम में भी तपस्या करो, महिलाएं भी तपस्या करें। कैसे तपस्या होगी? आपकी बहू यदि कुछ कठोर बोलते सह लेना ही तपस्या है। सासू यदि थोड़ा आपको कुछ दुख दे सह लेना और सासू के साथ में रह लेना, ये तपस्या है। परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए कष्टों को सह लेना और फिर भी संगठन को टूटने न देना, ये तपस्या है। भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में कोई विघ्न बाधा आती है, तकलीफ आती है, उसको सह लेना, इसका नाम तप है। श्रीमद् भगवद गीता में तप का अर्थ बताया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है, दुख सहा जाता है, उसी का नाम तप होता है। इसलिए याद रखना, कन्या धर्म निभाने के लिए, पिता का धर्म निभाने के लिए, माँ का धर्म निभाने के लिए, सासू बहु का धर्म निभाने के लिए, पुत्र पुत्री का धर्म निभाने के लिए, गुरु शिष्य का धर्म निभाने के लिए, इस धर्म को निभाने के लिए जो कष्ट सहना पड़े उस कष्ट को सह लेना और अपने धर्म को निभा लेना, वो व्यक्ति तपस्वी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। उसमें बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है, वो कोई साधारण नहीं है। राम राम साईं बोल। तपस्वी, यदि आप किसी के पुत्र हैं, पिताजी आपके कमजोर हैं, थोड़ा माइंड भी काम कम करता है, पिताजी गाली दे देते हैं, हाथ मार देते, मुक्का मार देते, फिर भी सह करके उनको स्नान कराना तप है, कपड़े बदलवाना तप है, उनको भोजन खिला देना तप है, उनकी कठोर शब्दों को सुन करके भी विचलित ना होना, गम खा लेना और उनकी सेवा कर देना, ये तप कहलाता है। याद रखना, तुमने अपने बहू का धर्म नहीं छोड़ा, पुतोहू का धर्म नहीं छोड़ा, नारी का धर्म नहीं छोड़ा, पति का धर्म नहीं छोड़ा। कष्ट सहते हुए भी जो अपने धर्म पर टिका रहता है वो तपस्वी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। उसकी समस्याएं हल हो जाती है। साहिब बंदगी बोलो, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। वाह, बहुत बड़ा काम है। हे राम, हे कृष्ण, उन्नति का साधन, ध्यान देना, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। सेवा, सेवा से बहुत सुख मिलता है, सेवा से लोभ मरता है, सेवा से अभिमान भी मरता है, सेवा से मोह भी मरता है, और सेवा से वासना उपासना में चेंज होती है। सेवा छोटी मोटी चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा प्रवचन था गत वर्ष, एक भक्त कार्तिक राम यादव प्रोग्राम करवाया, दिन कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन बोले, उनके साथी भी बोले, गुरुदेव आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों अच्छा लगा? बोले इसलिए अच्छा लगा कि आज जो सत्संगी भाई बहन आए थे श्रोता, आज हमने खुद चावल परोसा, दाल परोसा, सब्जी परोसा, और 2 घंटे तक मैं परोसता रहा तो मुझे बहुत सुख मिला। मैंने अपने हाथों से भी सेवा किया, धन से भी किया, अन्न से किया, मन से किया, और आज तन से किया। जब तन से सेवा करते हो तब जो मन को आनंद की प्राप्ति होती है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।
धन्य हो शिवरी नारायण के भक्त श्री कार्तिक राम यादव जी, धन्य हो कबीर इंटरप्राइजेस के भक्त दिगंबर साहू जी, धन्य हो राम रतन साहू जी, धन्य हो सोनी जी, प्रकाश जी, सेवा। इस वर्ष 15 जनवरी को राजस्थान आश्रम में भंडारा था, तो मेरे मुख से निकल गया दाल बाटी का भंडारा। दाल बाटी 1500 लोगों के लिए संतों ने ही बना दिया दाल बाटी, सेवा करके सब संत जुट गए, दो चार छह भगत जुट गए। और फिर व्यास गादी से प्रवचन करके जब मैं उतरा तो उसी जगह सामने सब पंगत बैठ गए, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सेवा कर दूं, बाटी परोस दूं, तो दो चार को दिया तो सब मेरी तरफ देखने लगे कि हमको भी आप दे दें अपने हाथों से, आपके कर कमलों से। तो मैंने फिर 10-50 को दिया तो सब उचक्र देखने लगे हमारी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 1000 जो बैठे थे सबको हमने अकेले ही परोस दिया, सबको परोस दिया। और मैं थका भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगा मैं ताजा हो गया। ये 2 घंटे प्रवचन करते करते थोड़ा थकान लग रही थी ना, तो ऐसा लगा बाटी परोसने से ताजा हो गया, मुस्कान लगने लगी। इसलिए अपने शरीर से भी सेवा कर दिया करो, सेवा, और सेवा से उन्नति होती है। धन से भी सेवा करो, उन्नति का साधन सेवा है। मैं हरिद्वार गया था एक बार, आज के 32-33 वर्ष पहले। आम का रस पिला रहे थे कुछ लोग, मैं भी सड़क से निकला, बोले आओ आओ महात्मा पी लो आम का रस। तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया, मैंने कहा मेरे में पिलाने की सामर्थ्य है, मैं क्यों पीऊं? दूसरे को ना पिला सकूं तो दूसरे में क्यों पीऊं? मैं खुद ही पिला दूंगा लोगों को। अरे बोले आओ पी लो और फिर पिलाते रहना। मेरे साथ एक और साधु था, वो बोला मैं पी लूं? हमने कहा तुम पी लो। वो गया, उसने 4-5 गिलास पिया। भूत था, भूत प्रेत। कोई हिसाब लगाना ही नहीं, दूसरे का हिस्सा पीने से, दूसरे का हिस्सा खाने से, दूसरे का हिस्सा लेने से, और दूसरे का हिस्सा बिछौना ले लेने से, दूसरे के हिस्से की रजाई ले लेने से, और दूसरे के हिस्से का सामान लेने से चुपचाप पाप लग जाता है। दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 4-4 गिलास आम का रस पिया जाता है, शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती? बोले शर्म आती तो 4 गिलास नहीं पी पाते। कितने लोग शादी बारात में जाते हैं, 10-10 रसगुल्ला खा लेते हैं, उसके बाद घर में आते कहते तबीयत खराब है कुछ, फिर सवेरे डॉक्टर के यहाँ जाकर इलाज कराते हैं। 10 रसगुल्ला खाया 50 रुपए के, और इलाज हम खर्चे 500, बेवकूफी काम है कि नहीं? अब 5 दिन लेटे रहे, तबीयत खराब है, मूर्खता का काम। हमारे साथ में एक भगत आया तो उसको मैंने फल दिया, 1-2 किलो फल खा गया, मीठा दिया 1/2 किलो 1 किलो मीठा खा गया, 8-10 दिन खाया फल मीठा, उसका एक पांव इतना मोटा फूल कर हो गया। तो संतों ने कहा इसका दवा मंगाओ, मैंने कहा ले जाओ डॉक्टर के, हमें कोई डॉक्टर थोड़े। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि फल मत खाना और मीठा मत खाना, दवा का काम नहीं है, फल छोड़ोगे ठीक हो जाएगा। आया वहाँ से, मैंने समझाया फल मत खा मीठा मत खा, 3 दिन में पाँव फिर पतला हो गया। अरे मूर्ख इतना क्यों खाता है, चट्टा कहीं का एक किलो मीठा नहीं खाना चाहिए, बस 1 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीस बस हो गया। और 3 पीस से ज़्यादा पीस खाओगे ना तो पीस फिर तुमको पीस देगा। हाँ,
तुम पिस जाओगे। टेस्ट हमारे साथ एक साधु है, ये बैठा है बाजा बजा रहा है, खड़े हो जाए उधर, हाथ जोड़ बंदगी कर, ये देखो बहुत पुराना साधु है, बुजुर्ग है, 80 साल का पुराना है। इसको ऐसा आशीर्वाद दिया है हमने कि तू छोरा ही रहेगा, चेहरे से गोरा और उम्र में छोरा। बैठ जा, ये बहुत उम्र है इसकी, 40 साल का लगभग हो गया ये। तो उसको मैंने, मेरी गाड़ी चलाता है वो, मैं उसकी गाड़ी में बैठता हूँ, वो चलाते हम बैठते हैं, तो उसको मैं कुछ खाने को देता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में 2-4 डब्बे में कुछ रखते हैं, जैसे चना है या चावल का लैया है, मुरमुरा चुरमुरा, या थोड़ा सा पिस्ता है, थोड़ा कभी ऐसे खाने का, तो उसको देता हूँ, तो इतना लेता है बस। तो इतना लेगा और उसको 10 मिनट खाएगा, तो मैं कहता हूँ एक बार मुँह में डाल दे, तो बोलता है थोड़ा थोड़ा खाऊंगा तो मुँह में कुछ पड़ा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, और उसका टेस्ट लेता रहूँगा, यात्रा पूरी हो जाएगी। ज़्यादा खा लूँगा पेट भर जाएगा तो नींद आएगी। तो बहुत कम खाता, हर समय ताज़ा रहता, वो थकता ही नहीं, थकता कभी नहीं, पूरा लांग बांध के जुटता है काम में। दान का सामान भी वही रखता है, स्टाक इंचार्ज भी वही है, म्यूजिक भी वही बजाता है, मेरी गाड़ी भी वही चलाता है, दुनिया भर की जिम्मेदारी उसके पास है। और भागता है लेकर के झोली, जोर से दौड़ता है। मैंने कहा क्यों दौड़ रहा, बोले देर हो रही, टाइम नहीं। कम खाने से उम्र छोटी दिखाई देती है। ये सबको मत बनाना, सबको नहीं बताना, आपके लिए